Hello guys, I am Mohit Singh from IIT Roorkee and the topic of this video is electronic configuration. तो electronic configuration हम कैसे निकालते हैं, electron कैसे fill किए जाते हैं, उसको समझने से पहले हमें कुछ principle समझने होंगे जिनका use करके हम ये electron filling करते हैं. तो जो सबसे पहला principle है वो है Aufbau principle. तो Aufbau principle क्या बोलता है? जो orbital low energy रखती है उन्हें पहले फिल करो, फिल देम फर्स्ट. ये पॉइंट आपको समझना है. जो ऑर्बिटल लो एनर्जी रखती हैं कंपेयर टू द अदर वन, उनको पहले फिल किया जाएगा. इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं. तो जैसे हम देखते हैं, हमारे पास है 1s ऑर्बिटल और हमारे पास है 3s ऑर्बिटल. अब इसमें हम कैसे कंपेयर करें कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है? तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे बोलते हैं n+l रूल. क्या बोलते हैं? n+l रूल. तो जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा होगी. तो 1s के लिए बात करी जाए तो इसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0. 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0. तो n+l इस केस में हो जाएगा 1, इस केस में हो जाएगा 3. तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी 1s से. तो 1s को पहले फिल किया जाएगा 3s के कंपैरिजन में. इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन जब n plus l की वैल्यू सेम हो गई दो ऑर्बिटल के लिए तब क्या करेंगे? जैसे हम ले लेते हैं 2p और 3s. 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0. तो इस केस में इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3. तो जब ऐसा केस हो, जब n प्लस l की वैल्यू सेम हो दोनों ऑर्बिटल के लिए, तो n की वैल्यू चेक करो. n जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा. तो देखो 3s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 2p से, क्योंकि इस केस में n प्लस l सेम है तो हम n कंपेयर करेंगे. n जिसका ज्यादा, एनर्जी उसकी ज्यादा. Aufbau प्रिंसिपल समझ आ गया, जिस ऑर्बिटल की लो एनर्जी रहती है उसे फिल पहले किया जाता है. ठीक है, ऑब्वियसली हम शेल के अकॉर्डिंग तो फिल करते ही हैं. पहले के शेल, फिर एम शेल, सॉरी के बाद एल, फिर एम, देन एन, एंड देन कंटिन्यू करेंगे हम. ठीक है, और अगर हमें शेल के अंदर ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करनी है तो हम Aufbau प्रिंसिपल देखेंगे. और शेल की एनर्जी, सॉरी ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करनी है तो हम एन प्लस एल रूल से करेंगे. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं हंस रूल. देखो हंस रूल क्या कहता है. हमारे पास मान लो है डी ऑर्बिटल है हमारे पास. डी ऑर्बिटल में हमें पता है कुछ ऐसे होते हैं. इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. ठीक है, ये हमारे पास है डी ऑर्बिटल. तो देखो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं. तो हुन बोलता है जब तक आप 5 ऐसे नहीं फिल कर देते तब तक आप पेयरिंग नहीं करा सकते. मतलब आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डी में तो आप ऐसे ही करोगे. दिस इज द राइट वे, ऐसे नहीं कर सकते आप. देखो ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज द रॉन्ग वे. क्यों ऐसा? क्योंकि जो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, वो लेस स्टेबल होती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से. इतनी बात क्लियर होनी चाहिए. ये देखो ये पार्शियली फिल्ड है, ये जो है ये हाफ फिल्ड है. तो हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड में कंपैरिजन किया जाए तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है, और सबसे स्टेबल की बात करी जाए तो ऑब्वियसली फुल फिल्ड होगी, उसके बाद हाफ फिल्ड, देन पार्शियली फिल्ड. तो हमेशा हंस रूल के अकॉर्डिंग पहले एक एक फिल किया जाता है, देन पेयरिंग की जाती है. तो ये आप याद रखो. अब एक और रूल बचा है हमारे पास, वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में, उसके चारों इलेक्ट्रॉन, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. इतनी बात क्लियर है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बस ये बोलता है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते. ठीक है, तो चारों रूल जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने समझ लिए. अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे आपकी ग्रेस बढ़े हम कर कैसे रहे हैं एक्चुअली में, तो वो समझ आएगा आपको. ठीक है,
तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हम बढ़ते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे करके हम चलते जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो क्या ऑर्डर होता है? एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, ये आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, उसके बाद आप करोगे 4p, 5s, 4d, 6p, सॉरी 5p, 6s, ऐसे करके आप फिल करते जाओगे। नाइट्रोजन की बात आएगी तो 7 इलेक्ट्रॉन है, हम 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 1s2, 2s2, 2p3। अब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऐसे फिल करेंगे। s में कैसे फिल करेंगे? ऐसे फिल करेंगे। इस s में भी ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं क्लोरीन, जिसमें है 17 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 10। 3s2 एंड 3p5। अब देखो ये कैसे फेल होंगे? ऐसे फेल होंगे। ये कैसे फेल होंगे? ऐसे फेल होंगे। 2p6 कैसे फेल होगा? देखो फिल करने का तरीका सीखो, कभी गलती नहीं करोगे। 1, 2, 3, हुंड्स रूल फॉलो हो रहा है, फिर हमने पेयरिंग कराई। 3s2 में हमने कैसे करना है? 1, 2। अब 3p5 में कैसे करेंगे? देखो पहले पेयर कराया, अब इसको पेयर कराएंगे। ठीक है, पहले सिंगल में लिखना है फिर पेयर कराना है। तो ये हो गई क्लोरीन। अब देखो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? 24 इलेक्ट्रॉन रखता है हमारे पास, तो इसकी फिलिंग कैसे करेंगे? देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो 4s2, 3d4 हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? देखो इसकी बजाय हम करते हैं 4s1, 3d5, क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड बन गया और जो हमारा डी है वो भी हाफ फिल्ड बन गया। ये फुली फिल्ड तो है लेकिन ये पार्शली फिल्ड है, तो हम इसकी बजाय दोनों को हाफ फिल्ड कर देते हैं, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, 4s2 3d4 नहीं होती, 4s1 3d5 होती है। सिमिलर केस आता है कॉपर के केस में, जब 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम क्या करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 3d9 की जगह हम करते हैं 4s1 3d10, विच इज मोर स्टेबल। ऑल राइट, तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।